गिलगित लड़ाई में बांग्लादेश में शामिल है। 70 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गए। 1 लाख फौजी पाकिस्तान का बांग्लादेश का हैंड अप होया। आप में दया है बनो को नहीं फौजी विद आर्म्स फिर वह हैंड अप हो तो मान लो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कमांडो जिसको बोलते हैं 70 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गए। लाहौर तक गया छात्रों तहसील है कराची तक, मेरे ख्याल कराची या लाहौर तक गया थे मैं। किताबों में पढ़ी रही है मेरी, किताबों में कौन तो भाई ग्राउंड पर थे भी गया खुद खुद। हाँ अच्छा जी। तो कसो के माहौल जी टाइम जो पाकिस्तानी आवाम ही बिकर मन के मैं कसो डरो जो भारतीय फौजी हवा से 1 लाख फौजी पाकिस्तान का बांग्लादेश का हैंड अप होया समर्पण करियो। समर्पण करियो सबसे बड़ो समर्पण वो विश्व को, विश्व को है कोई शक नहीं। तो जी टाइम ते फौज के मैं लड़ाई करे एक फौजी तो सामने जो कोई सिविलियंस मिल जाए बेका प्रति के विचार है जो कि नुकसान पहुंचाना चाहो या छोड़ दो भी ना छोड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो दया रहेगी बड़ी भी आप में दया है बम को नहीं, बम को नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तो एक चीज और मैंने बताओ जहाँ भी जंग के बारे में एक चीज और मैं सुनी जहाँ बांग्लादेश का मैंने अपन से नहीं उतारा मीटर जेट उतारा और एक भ्रामक बढ़ता फैलाई कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश का मैंने उतार दिया फौजी ऐको को किस्सो है कि किस्सो तो लंबो चौड़ो है तो है कि बाबा सच्चाई है कि सच्चाई है फौजी उतारे है। अच्छा जी बांग्लादेश में जो फिर डरा दियो जी यदि पाकिस्तानी आयो जो फौजी में फौजी विद आर्म्स फिर वह अंडप हो तो मान लो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। विश्व का सौ बड़ो तकड़ो विश्व को सौ बड़ो आत्मसमर्पण मान्य सेना करो बट इसी तो मैंने कॉमेंट जरूर करके बता दियो तब जी की बात का मैंने थोड़ा कसो इंटरेस्ट आ रहे।